नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग घरों में दुपकने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं कला अध्यापक पिछले 7 दिन से कड़कड़ाती ठंड में अपनी नौकरी पाने के लिए बैठे हुए हैं। इसी टेंट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। 13 जनवरी को कोर्ट में अब सुनवाई है। ऐसे में इन कला अध्यापकों की सरकार से अपील है कि सरकार अपना सकारात्मक पक्ष रखे। यह है अर्थप्रकाश की खास रिपोर्ट। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार को जब ये पता चला कि ये बेकसूर और मैरिट होल्डर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो उन्होंने हमारे हितों के बारे में शिक्षा विभाग को बताया और मुझे लगता है कि सरकार अब हमें ज़्यादा दिन तक ये ठंड में नहीं मारना चाहती और सरकार का बार बार धन्यवाद है। सरकार हमारे पक्ष में माननीय कोर्ट में जवाब दायर करे, यही कामना हम सरकार से करते हैं। वह उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, अभी हमने बच्चों को गुरुद्वारे में भेजा है जी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनको गुरुद्वारे में अभी भेजा है। कुछ हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, इसलिए सरकार ये देख चुकी है और समझ भी चुकी है कि मैरिट, क्योंकि सरकार को, इस सरकार को पढ़ाई का और महिलाओं की इज्जत का सब पता है, सरकार हमारे साथ बुरा नहीं होने देगी। ईश्वर के बाद सरकार का दायित्व होता है न्याय करना, और सरकार से हमारी यही एक संवैधानिक अपील है, यही एक न्याय की गुहार की अपील है, क्योंकि कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने इस डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा को करवाया, और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का ये सारे जितने डिग्री और डिप्लोमाज हैं वो पूरी प्रदेश सरकार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मान्य है सर्विस के लिए, कला अध्यापक के लिए। तो हम सरकार से यही एक गुहार लगाते हैं कि जब सरकार का ने जो है कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के सभी डिप्लोमा डिग्रीज को मान्य किया है, तो हम सरकार प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको भी मान्य करे। और जो ओपन कोर्ट सुनवाई के लिए हियरिंग आई है 13 जनवरी को, सरकार का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उस सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक सरकार पक्ष रखे और सच्चाई को रखे, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक्सपर्ट कमेटी बिठा के इसको डिस इक्वलेंस मानना है और प्रदेश सरकार में नियुक्तियों के लिए मान्य किया है। तो इसी आधार को बेस को देखते हुए, कुरुक्षेत्रा की रिपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि ये कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी जो है 1956 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, और जिसके जो डिप्लोमा और डिग्रीज हैं वो केवल हरियाणा में ही नहीं, जब पंजाब के साथ ज्वाइंट हमारा स्टेट था तब पंजाब में भी और आज भी वर्तमान में भी इसके डिप्लोमा और डिग्री पूरे ऑल ओवर इंडिया मान्य है। तो हमारी प्रदेश सरकार से, क्योंकि ये हरियाणा के हुआ है और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं हमारे, और हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी से मेरे सिर्फ एक आग्रह है कि प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि इन्होंने मेरिट में आके इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, टेस्ट प्रॉपर चैनल से ये गुजरे हैं, तो आज इनका राइट अधिकार बन जाता है कि इनको न्याय दे और इनको नियुक्त करे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान सकारात्मक पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। वहाँ हमारी शिक्षा विभाग से यही एक बातचीत रही है, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी ने ये हमेशा डायरेक्टोरेट को लिखा है और सरकार को लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी अपनी बिठा के जो रिपोर्ट दी है वो सरकार को सबमिट करा दी है, और उस कमेटी उसके आधार पर ही सरकार जो है अपना फैसला ले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष जो है दायर करे। टोटल लगभग 816 की ये वैकेंसी थी और 613 कैंडिडेट इसमें से मेरिट होल्डर हैं जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा धारक हैं। जिंदाबाद शिक्षा मंत्री, जिंदाबाद एयू के एकता, जिंदाबाद एयू के एकता, जिंदाबाद 613 को ज्वाइनिंग दो, 613 को ज्वाइनिंग दो, मेरिट होल्डर्स को ज्वाइनिंग दो, मेरिट होल्डर्स को ज्वाइनिंग दो, मेरिट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।